ताजमहल परिसर गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। उस संबंध में हिंदूवादी नेता एएसआई कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसआई अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ताजमहल या तेजो महल को लेकर पहले से तमाम विवाद चले आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर ताजमहल के अंदर गार्डन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि ताजमहल के गार्डन में एक महिला और एक पुरुष द्वारा नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि ताजमहल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करने पर रोक है। शुक्रवार के दिन ताजमहल की शाही जमा मस्जिद में सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा माहे रमजान, ईद और बकरा ईद की नमाज के लिए ताजमहल में अनुमति दी जाती है। इसके अलावा ताजमहल परिसर में सभी धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक है, लेकिन एएसआई और ताजमहल में तैनात कर्मचारियों की अनदेखी के चलते पहले भी कई बार ताजमहल में नमाज पढ़ने के वीडियो वायरल हुए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वीडियो पर एएसआई कब तक संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। अभी तक जहाँ तक संज्ञान में है कि जो तेजो महालय है उसके ये विवाद चल रहा है। यहाँ पे जब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हैं या संत महात्मा दर्शन करने के लिए जाते हैं भोले बाबा के, तो हमें नहीं जाने दिया जाता है। वहीं उसी समय पर गोल टोपी वाले आते हैं और बीच में बारह में बैठ करके नमाज अदा करते हैं, और इसके लिए जो एएसआई जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो अपनी आंखें मूंद लेती है और हम लोगों के लिए चौकन्ना रहते। अगर हम कभी भी सावन के समर वगैरह पे जाते हैं तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जब हमें जेल भेजा जाता है तो इन गोल टोपी वालों को भी जेल में भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद जाकर के करीबन 500 से ज्यादा 1008 महात्मा लेकर के और तेजो महालय के अंदर जाएंगे, कन्हैया की मूर्ति लेकर के जाएंगे और वहाँ विराजमान करेंगे 6 दिसंबर को। हमारी मांग ये है कि हमने आज ज्ञापन इसलिए दिया है कि जब भी हम यहाँ आते हैं इसलिए आते हैं कि वो लोग जब मुसलमान भाई भाव में नमाज पढ़ते हैं तो क्या उनको आदेश मिल गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी है कि आप उसमें मतलब नमाज पढ़ो? क्या वो नमाज पढ़ने आते हैं तो जो वहाँ सुरक्षा करने वाले हैं, जो बैठा है प्रशासन, क्या उनको नहीं दिखता? अगर नहीं दिखता तो क्यों नहीं दिखता, मैं जानना चाहती हूँ। और हम अगर गलती से भी अगर भगवा कलर करके अगर चले जाएँ डाल के तो हमारे पीछे मतलब इतनी पैनी नज़र है कि ये जान लेता है प्रशासन का मीना दिवाकर कहाँ खड़ी है। मतलब सांस भी लूँ तो ये पता होता है प्रशासन को अमीना दिवाकर कहाँ है। तो क्यों उनके लिए क्यों नहीं, ये चीज़ उन पर मुकदमा क्यों नहीं, मीना दिवाकर पर मुकदमा क्यों, हिंदुओं पर ही मुकदमा क्यों, उन लोगों पर क्यों नहीं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो इसमें नमाज पढ़ेंगे तो हम भी उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा गुनाह क्या है जो हमें मुकदमा कायम कर दिए जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एएसआई द्वारा वायरल नमाज की वीडियो की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर वायरल वीडियो में मौजूद लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्या कुछ कहा पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल ने, आप भी सुने। जो प्रदर्शन किया है और जिसमें एक पत्र हमको दिया है ज्ञापन, वो हमारे पास है। इसमें भी वही बातें लिखी गई हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। वीडियो जो वायरल हुआ है हमारे भी संज्ञान में आया है, लेकिन कल 9:30 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक मैं स्वयं ताजमहल प्रमाइसेस में था। खास करके हमारा फोकस था गार्डन के किनारे किनारे एरिया, और कई बार टूरिस्ट वहाँ बैठ जाते हैं, कुछ स्लिप पर्ची या सुकवर का कुछ हिस्सा रख देते हैं, तो वो जस्ट हमारा ये था चेक करना कि क्या प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं है। तो करीब 4 घंटे से ज़्यादा मैं खुद मॉन्यूमेंट में था, मेरे सामने तो ये संज्ञान में नहीं आया। जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें स्पष्टता नहीं है कि वाकई में वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं। तो आप सबको मालूम है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट नोटिस होता है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो स्टाफ होता है उनको पकड़ता है, उनको बाहर करता है, पुलिस में तहरीर देते हैं और कई सारे केसेस में FIR भी हुई हैं। डीजी मानदंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।